इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है रांची से, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। रांची के अनगढ़ा थाना क्षेत्र से ट्रैफिकिंग की शिकार हुई 19 नाबालिग को पुलिस ने रेस्क्यू कराया है। रांची पुलिस ने गुजरात के सूरत शहर के सभी को रेस्क्यू करा लिया है। सिलाई कढ़ाई के नाम पर झारखंड से बाहर भेजी गई थी ये लड़कियां। झारखंड की बेटियों को अनगढ़ा थाना पुलिस को लिखित शिकायत मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है। रांची पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और ट्रैफिकिंग के शिकार 19 नाबालिग लड़कियों का रेस्क्यू कराया है। रांची पुलिस गुजरात के गुजरात गई और वहां सूरत शहर से इन सभी लड़कियों को रेस्क्यू कराया, जिन्हें सिलाई कढ़ाई के नाम पर राज्य से बाहर ले गया था। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी इमरान जुड़े हुए हैं। इमरान, गुजरात से रांची पुलिस ने 19 नाबालिग लड़कियों को रेस्क्यू कराया है, इस बारे में और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, कल देर रात तकरीबन 19 नाबालिग एक बालिक जो युवती है, सभी को रांची के अनगढ़ा थाना क्षेत्र से ट्रैफिकिंग किया गया था। सभी को आज यहाँ पर रांची लाया गया। अब इनकी जो है वो CWC के समक्ष बयान दर्ज कराए जाएंगे, क्योंकि पिछले दिनों अनगढ़ा थाना क्षेत्र में मामला दर्ज किया गया था कि कुछ लड़कियों को झारखंड से, राजधानी रांची के रहने वाली थी सभी, उनको गुजरात के सूरत शहर ले जाया गया, जहां सिलाई कढ़ाई के नाम पर इन लोगों को पहले नौकरी दी गई थी। लेकिन उसके बाद बाद में पता चला कि सभी को एक मल्टीनेशनल कंपनी जो कि मछली पालन और मछली ट्रांसपोर्टिंग का काम करती है, बाहर भेजने का काम करती है, उसमें काम कराया जा रहा है। साथ ही कई तरह की परेशानियां आ रही थी, जिसकी शिकायत अनगढ़ा थाना पुलिस को दी गई थी। सभी लड़कियां जो है वो अनगढ़ा थाना क्षेत्र के ही रहने वाली थी। ऐसे में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने सूरत शहर में जाकर के छापेमारी की और 19 जो है वो नाबालिग और एक जो है बालिक जो युवती है उनको वहां से छुड़ा करके रांची लाई है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो बालिक युवती है वो जब यहाँ से ट्रैफिकिंग हुई थी वो उस वक्त नाबालिग थी, अब जाकर के वो बालिक हुई थी। ये सारी चीजों को एक कानूनी रूप से अमली जामा पहनाने के लिए फिलहाल रांची पुलिस के जो तमाम जो अधिकारी है उसके दिशा निर्देश पर देर रात 1 बजे सभी अनगढ़ा थाना पहुंचे हैं। अभी लड़कियों को सुरक्षित रखा गया है। सुबह 10-11 बजे के आसपास CWC के समक्ष सभी जो है नाबालिग का बयान दर्ज कराया जाएगा। उसके बाद जिस तरह की जो कहानी सामने आती है उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है FIR जो है वो है की जा सकती है, क्योंकि पहले भी एक FIR के आधार पर ही इन तमाम जो नाबालिग युवतियां हैं इनको छोड़ा करके रांची पुलिस वहाँ गुजरात के सूरत शहर से लाई है। जी धन्यवाद इमरान इन जानकारियों के लिए। तो रांची पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। शिकायत मिली थी पुलिस को कि 19 लड़कियों को राज्य से बाहर सिलाई कढ़ाई का काम कराने के नाम पर ले जाया गया था और रांची पुलिस ने इन सभी 19 लड़कियों को रेस्क्यू कराकर वापस लाने में कामयाबी हासिल की है।